नमस्कार, साथिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक 1965 लोग इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। इस वायरस ने 50 लोगों की जान ले ली है, जबकि पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में यह वायरस तेजी से पांव पसार रहा है और यहां 338 लोग इससे पीड़ित हैं। केरल में भी 265 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना को हराएंगी। उन्होंने राज्यों से कहा कि उनके साथ केंद्र खड़ा है और उनको हर संभव मदद दी जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को ये काम बहुत पहले ही करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब सारा काम राज्य सरकारों को ही देखना था तो लॉकडाउन से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से मशवरा क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों से पूछा जाता तो हो सकता है कि मजदूरों के पलायन की समस्या ना खड़ी होती। बघेल ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला जल्दी में लिया गया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन इसको लगाने से पहले सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। तैयारी न होने के कारण गरीब मजदूरों में अफरा तफरी मच गई है। सरकार को एक व्यापक योजना बनानी होगी, जिससे हम इस खतरनाक महामारी से लड़ सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे लड़ने का एकमात्र उपाय अभी ये है कि इसकी सही तरीके से टेस्टिंग की जाए। निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए लोगों की खोज जारी है। राज्य सरकारों ने इनका पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है। अभी तक आई रिपोर्ट के अनुसार निजामुद्दीन में हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में लगभग 8000 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और इनकी खोज जारी है। अभी तक कार्यक्रम से संबंधित 358 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 9 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में आज 21 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी लोग निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में कुल संक्रमित मामले 132 हो गए हैं, जबकि 493 लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है। तबलीगी जमात का कार्यक्रम कर हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने वाले मौलाना साद का एक और ऑडियो क्लिप आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने खुद को दिल्ली में ही क्वारंटीन कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो जहां भी हैं अपने आप को क्वारंटीन कर लें और प्रशासन का आदेश मानें। बता दें, मौलाना साद को खोजने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश का इंदौर राजस्थान के भीलवाड़ा की तरह कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 98 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 75 तो सिर्फ इंदौर के केस हैं। आज 65 साल की महिला की मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। इंदौर में लगातार बढ़ते मामलों से लग रहा है कि ये अब कोरोना की स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है। अब उत्तर पूर्व भारत में भी कोरोना के मामले आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका पहला मामला आज सामने आ चुका है, जिससे अरुणाचल उत्तर भारत में चौथा राज्य हो गया है जहां कोरोना के मामले पाए जा चुके हैं। अब तक इन राज्यों में 20 मामले सामने आ चुके हैं। स्वर्ण मंदिर के पूर्व रागी भाई निर्मल सिंह जी खालसा की मौत कोरोना से हो गई है। स्वर्ण मंदिर में इस रोग से होने वाली ये पहली मौत है। निर्मल सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, जिसके बाद कोरोना से पंजाब में मौत का आंकड़ा 5 पहुंच गया है। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 46 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके अमेरिका में मरने वालों की तादाद 5000 से ज्यादा हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 884 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 215,372 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 9,36,000 को पार कर गई है, जबकि 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गणितज्ञ टोनी लुइस का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह क्रिकेट को डकवर्थ लुइस नियम देने वाली जोड़ी में शामिल थे। लुइस ने अपने साथी गणितज्ञ फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर वह फॉर्मूला निकाला था, जिससे मौसम के कारण प्रभावित हुए मैच में रनों का पीछा करने को तर्कसंगत बनाया जा सके। इस जोड़ी ने 1997 में इस फॉर्मूले को ICC को पेश किया और 1999 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप से इसे अपनाया गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए साथिंदी.com के साथ।